अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हमेशा की तरह ईदगाह में इंतजामात हुकूमत की जानिब से अच्छे से अच्छे रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी, क्योंकि बारिश का मौका है, इस बार पूरा वाटर प्रूफ हम शेड का इंतजाम करे हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतजाम करते हैं, क्योंकि खासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है, हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही, जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मजम खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मंगलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मजम खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आते सो रमजान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट के जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और खासकर जी सर, और जो स्लैब का भी काम है, मैं इंशाल्लाह ताला ये दो भी चीज़ का मैं परसू करके हमारे सीओ साहब को भी अभी रिप्रेजेंटेशन लिए हम लास्ट टाइम भी लिए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज जो अदा की जाएंगी 9:30 बजे अदा की जाएंगी, और इंशाल्लाह इस बार मौलाना रिजवान कुरैशी साहब जो ईद की नमाज यहाँ पे पढ़ाएंगे, मौलाना सैफुल्ला साहब जो शेखुल जामा निज़ामिया की मम्मी, उन्होंने भी जो सो यहाँ पे आके उनकी उनका भी बयान होगा और मौलाना जाफर पाशा साहब का भी इस बार बयान होगा, और इंशाल्लाह ताला ठीक 9:30 बजे ईद की नमाज यहाँ पे अदा की जाएगी। शुक्रिया। यहाँ पर आज ईद के मौके के ऊपर, ईद जो होने वाली है उसके मौके के ऊपर ईदगाह के अंदर आज एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी और इंस्पेक्शन किया गया था, और इस दौरे में आज के हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब है, इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब एम ए गफ्फार साहब है, और हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोनल कमिश्नर है, और हमारे एडिशनल DCP और इंचार्ज ACP फलकनुमा जहांगीर साहब है, हमारे ACP ट्रैफिक श्रीनिवास साहब है, और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के CGM है, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे इस रमनसपुरा डिवीज़न जो ईदगाह को लगता है यहाँ के वर्कर्स है, और मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जो हमेशा ईद के मौके पे होती है, ईद आने से पहले तकरीबन हमारी जानिब से हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होने दीजिए, GHMC होने दीजिए, या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट होने दीजिए, हर एक को अपना जायज़ा लेने के लिए, और हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा माइनर वर्क्स होते हैं, अंदर चिपिंग का काम होता है और आपके मुरम का काम होता है, सराउंडिंग के रोड्स के काम होते हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाती है और पूरे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा कर क्या बोलते हैं तो, और आसपास का पूरा लाइट का इंतज़ाम किया देखा जाता है और सराउंडिंग रोड्स का देखा जाता है। ये सारे इंतज़ाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से किए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं और तकरीबन मुकम्मिल काम हो चुका है, और सबसे ज़्यादा खुशी ये बात की है आज कि हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नुमाइंदगी थी, रिप्रेजेंटेशन था कि वक्फ इस ईदगाह के ऊपर का जो चबूतरा है उसको CC का स्लैब डालो, बल्कि नमाजियों को तकलीफ हो रही थी काफ़ी, तो मसीउल्लाह साहब आज वायदा करे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ग्रैंटिनाइट फंड से हम उस नेक्स्ट जबी भी जो भी प्रोग्राम रहेगा ईदगाह का उससे पहले इंशाल्लाह ताला उसको रेंट CC का बेड डला देंगे। मैं
खास तौर से हमारे तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे एरिए के कॉरपोरेटर हैं, आप तमाम प्रेस वाले हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका ताउन है, आप सबका साथ है, आप सब जनों की मिलकर एक पूरी यूनिटी की तौर के ऊपर एक टीम बनाकर जो काम इंतज़ाम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमेशा कामयाब होता है। और इस बार भी हम कोशिश यही कर रहे हैं जितने भी मुसल्लियाँ इस ईदगाह पे नमाज को आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, मेन मकसद वही होता है, वो बेहतरीन इंतज़ामात हो, आए अपना नमाज पढ़कर सुकून से जा सके। और तमाम डिपार्टमेंटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। अब यहाँ पर आवाम अगर नमाज के लिए कहीं आती है तो मीर आलम ईदगाह को आती है। नाज़रीन, न्यूज़ टीवी हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।